एमएलए राजशेखर पाटिल साहब के बेटे अभिषेक पाटिल के बर्थडे के बाद से होमनाबाद तालुका कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट अफसर साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए सीएम इब्राहिम साहब के बेटे सीएम फैज को जो कल एक प्रेस मीट करते हुए सीएम फैज ने कहे थे कि होमनाबाद एमएलए राजशेखर पाटिल साहब के बेटे अभिषेक पाटिल के बर्थडे में जो कई महिलाओं को कुकर देने की आस में बुलवाए थे एमएलए राजशेखर पाटिल, तो फिर उसी का क्या जवाब दिए आज अफसर साहब ने, आइए हम आपको बताएंगे। और कहे अफसर साहब ने कि आने वाले 17 तारीख को होमनाबाद के सुपर फंक्शन हॉल में एक माइनॉरिटी मीटिंग रखी गई है, जिसमें एमएलए राजशेखर पाटिल, एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, एमएलसी भीमराव पाटिल, अभिषेक पाटिल के साथ ही साथ कई कांग्रेस के और लीडर शामिल रहेंगे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि आज सीएम फैज को लेकर अफसर साहब ने और क्या क्या कहे। हम किसी को ये अनाउंस कर हमारे अनाउंसमेंट की गाड़ियाँ चार गाड़ियाँ फट रहे, कहीं भी हमारे अनाउंसमेंट की गाड़ी में ये अनाउंस नहीं हुआ कि हम कुकर दे रहे हैं। और हम हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को हम फ़ोन पे बोल के बुला के लाने के लगे, वो कहीं पर भी हम जो है ना कुकर का जिक्र नहीं करें। ये हम दिए 50-60 जो भी दिए हम दिए सो सही, उसमें दो राय नहीं, उसमें हम झूठ बोलने का नहीं है। मगर तुम भी साड़ियाँ दिए, हम भी हमारी पाप कुछ तो भी। आज हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आपको सोशल मीडिया को यहाँ पर मदद किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ कि हमारे बुलाने पर आप यहाँ पर आकर हमारे हिम्मत अफजाई की। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद, कल हमारे जनता दल के कैंडिडेट सीएम फैज साहब ने एक प्रेस बुलाकर हम पर जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर, हमारे एमएलए पर, उसका जवाब देने के लिए हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाए हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये जितने भी यहाँ पर हमारी माएँ बहनें, हमारे युवा नेता अभिषेक पाटिल को और महिला दिना चरणे जो हम मनाए थे उसके लिए आए थे, उसमें उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि खाली ये बुलाने पर 30-40 हज़ार लोग आते हैं, तो मुनज़्ज़िम तरीके से अगर करें तो क्या पूरे 2,40,000 लोग यहाँ पर आते हैं। ये बात उनको हजम नहीं हो रही और इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रही बीजेपी को और दल को कि ये लोग जो राजशेखर पाटिल हमारे नेता पर जो मोहब्बत और खुलूस रख कर बार बार, आपने देखा कि सिद्धरामैया के प्रोग्राम में भी हमारी माएँ बहनें एक तरफ का एरिया पूरा भर के था, करीब 10 से 15 हज़ार महिलाएँ उसमें भी शामिल थी। अब इसमें हमारे जो अभिषेक पाटिल का जन्मदिन और ये महिला दिवस जो हमने मनाए थे उसमें भी 30 से 30 हज़ार के करीब महिलाएँ यहाँ पर जमा हुए थे। उन्होंने बार बार ये कह रहे हैं कि ये आप उसमें से आप भी एक क्वेश्चन करे थे उसमें से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी कि हम भाग जाने वाले औरतों से हम क्वेश्चन करें, हम किरास क्वेश्चन करें, पैसे देकर आए क्या आप, क्यों आए? तो वो लोग जो बोले, आप जो भावना लोगों की भावना उनके सामने जो आप पेश करें, मैं उनके आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग मोहब्बत से अभिषेक पाटिल को आशीर्वाद देने अपने घरों से, यहाँ से एरंडी करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लोग और तमाम ये हमारे बॉर्डर से, कलाड़मड़गी से, हमारे सिंधबंदगी से, ये बॉर्डर से ये करीब 30-30 किलोमीटर की एरिया है, यहाँ से पूरे लोग आकर खुशी से अपने जिम्मेदारी से उन्होंने हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम कुकर देने का वास्ता देकर उनको यहाँ पर बुलाए हैं। गयाउद्दीन साहब, हम एक 4 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, हम उसमें कुकर का जिक्र करे थे आपके सामने, हम कुकर दे तो बोले थे, हम हो हमारे नेता श्रीमान राजशेखर पाटिल हो, उस वक्त भी हमारे दोनों एमएलसी थे, हम पूरे जिम्मेदार लोग थे, कहीं भी हमने ये कहा कि हम हमारे महिलाओं को बुलाकर जो महिला दिवस है वो मनाएंगे, हमारे
पास बुलाकर गेट टुगेदर कर हमारे महिलाओं को बुलाकर हम ये दिवस मनाएंगे बोलकर कहीं पर भी हमने कुकर देने का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कह रहे हैं कि वो कुकर की आस लेकर और आपके वो बॉन्ड की आस लेकर यहाँ पर, बॉन्ड देना तो हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारे घोषणा पत्र में है कि बॉन्ड पार्टी का, हमारे AICC का निर्णय है कि ये 2000 रुपये महिला घर की बड़ी औरत के नाम और 200 यूनिट बिजली और 10 किलो चावल हमारी सरकार आने के बाद, अगर हम 20 तारीख को हम शपथ लेते हैं या 15 मई को हम शपथ लेते हैं तो 72 घंटे के अंदर इनके अकाउंट को, पूरे DC को, तहसीलदार को ये आदेश करेंगे कि इनके अकाउंट को ये अमाउंट जाकर पहुँचे। ये घोषणा पत्र में ढकी छुपी बात नहीं है, हमारे बॉन्ड पर सिद्धरामैया की और DK शिवकुमार की सिग्नेचर है। ये क्या छुपा के या पीछे जाकर दे रहे नहीं बॉन्ड, ये हमारे घोषणा में शामिल है, हमारे मैनिफेस्टो में शामिल है। अब ये बॉन्ड दे रहे हमें लुभाने या ये करने, हम जो ये सरकार लूटी कर रही है, ये जो चावल हमारे सिद्धरामैया सरकार में 7 किलो से लाकर 5 किलो को ये BJP सरकार की है, लोग परेशान है। इस पर तो आपको बोलने को कुछ भी नहीं है फयाज साहब, आप जो है ना बोलिए, आपको वाकई हमदर्दी है तो बोलिए BJP कि 7 किलो को सिद्धरामैया साहब 7 किलो करे थे, आप 5 किलो करें। फिर हमारे सिद्धरामैया, हमारी पार्टी ये अनाउंस करी है कि हम 10 किलो हर फर्द को चावल देंगे क्योंकि कोई भूखा ना मरे। हमारी पॉलिसी, हमारी ये अब इंदिरा कैंटीन, पशु भाग्य, ऐसे एक मैं हमारे सिद्धरामैया की अगर पॉलिसी गिनाने चलूँ तो हमारे, हम बचपन में सुनते थे कि अर्थ ही बहुत बड़ा बैकवर्ड को इनको काम किए, उससे 100 गुना ज़्यादा काम सिद्धरामैया साहब ने किया है, अर्थ से 100 गुना ज़्यादा काम। और ये कह रहे हैं कि मैं जहाँ भी फिर रहा हूँ मुझे तो कोई डेवलपमेंट, 2 महीने में क्या डेवलपमेंट देखे आप CM फैज साहब, क्या किसको डेवलपमेंट बोलते हैं, उसका क्या, उसका डेवलपमेंट की क्वालिटी क्या है, डेवलपमेंट के आपके दिमाग में है क्या, किसको डेवलपमेंट बोलते हैं? एक गांव से दूसरे गांव को सड़क बनाने को डेवलपमेंट नहीं बोलते, एक गांव में कम्युनिटी हॉल बनाने को, हर समाज के कम्युनिटी हॉल बनाने को उसको, और हर इसमें PHC सेंटर खोलने को डेवलपमेंट नहीं बोलते, हर इसमें नर्सिंग के लिए छोटे गांव में अगर PHC नहीं है तो NM क्वार्टर्स बनाकर वहीं पर नर्स को रख रहे उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते, वेटनरी को जो हॉस्पिटल है हर गाँव में बनाकर हम ये चला उसको तो आप उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। डेवलपमेंट की अकसाम क्या है जरा उसको हमारे सामने अगर आप सराहत करें तो हम उसका जवाब देंगे। हम सब देख रहे हैं रानी चित्तूर चिन्नम्मा घाट बोरल में, आप जो देखें अगर वह अंदर जाकर देखेंगे तो बेंगलोर में है जैसा नजर आता है। ये हमारा काम है डेवलपमेंट करना, लोगों को सहूलत पहुंचाना, ये हर जगह काम हो रहा है। काम मेरे को तो दिख रहा है, आपको आंखों पर पट्टी बांध लेकर आपकी सोच ही छोटी है तो हम उसको क्या कर सकते, आपको डेवलपमेंट दिखने कुछ तैयार नहीं है, हम क्या डेवलपमेंट आपको बताएंगे। हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारा फर्ज है, हमको 4 बार आप बोल रहे, 4 बार आपको जिताए लोग, 4 बार में हम बराबर कौम की खिदमत, हम हमारे लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं, हमारे मानवता से, हमारे इससे हर जगह पर हर इसमें हम काम करते आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि IB क्यों होना, IB हुमनाबाद में गयाउद्दीन साहब या और कोई ताल्लुक़ में IB ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को आए तो क्या हमारे आपके घर में ला के बिठाना, IB में बिठाते हैं, IB कई के लिए बनाते हैं, इंस्पेक्शन बंगला, लोग ऑफिसर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, MLAs आते हैं, ये आप बैठने के लिए बनाए, हमारा MLA जाकर घर छोड़ के IB में बैठता है। आप, आपके फादर मिनिस्टर थे, ये थे, आपके घर में कैंप था, IB को भी जाते थे, आपके गांव में IB नहीं है, IB बना रहे हैं वो कर रहे हैं, दूसरा डेवलपमेंट नहीं कर रहे। अभी आपके टाउन हॉल का जिक्र करें, टाउन हॉल का कुछ बदमाश लोग उसके गिलास उसके ये फोड़ने के बाद जो है ना उसको फिर बजट में प्रायोजन करें, वो काम कर लेकर इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द वो भी उसकी भी ओपनिंग करेंगे। और एक संगीन आरोप उन्होंने लगाया कि परसों 4 तारीख को जो 10 करोड़ रुपए का जो रोड का हम इनाग्रेशन करे हो किकबैक करके उसके पैसों से आप कुकर बांट रहे क्या फैज साहब, आप ये मामूली बात नहीं है, ये साबित करना पड़ेगा, या तो आपको इलेक्शन से हटना पड़ेगा नहीं तो हमको, ये हमारा ओपन चैलेंज है, आप साबित करना है कि हमने
इसको किकबैक करके उसको जो कुकरों को ये करे, आप ये साबित करना कुछ भी, मेरे पास तो महती नहीं है मेरे को। अरे सुनी सुनाई बात क्या करते जी आप। और एक बात बोले उन्होंने कि एक मेरी माँ जो है ना, हमारे गणती की एक महिला, मुस्लिम महिला, उसके पैर में फ्रैक्चर आया। बिल्कुल आया, हम उससे हट के नहीं, मास है, कुदरती हादसा है, हुआ वो। उसमें क्या बोल रहे हैं आप, वो पैर में फ्रैक्चर आए, हम सोलिंग बोल रहे हैं बोल के। हम जो पूरी बात सुने बोले वो सुने छे उन्होंने, डॉक्टर्स क्या बोले कि इनके पैर पर अब सरे दस सोलिंग है, इसको हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये सोलिंग कम होने के बाद 3-4 दिन के बाद सोलिंग करते बोल के। और डिपॉजिट उनको पैसे उन्होंने घर वाले 5,000 रुपये वाहिद बेग हमारे पेट्रोल पंप के ओनर के हाथ से दे के भेज के वहाँ के 5,000 रुपये हमारे MLA साहब डिपॉजिट कराए। कल मैं, अभिषेक पाटिल, हमारे यूथ कांग्रेस, हमारे पूरे वर्कर्स जाकर दवाखाने में बैठ कर हमारे माँ और बहनों से वहाँ पर मिलकर ये एश्योरेंस दिए कि डॉक्टर्स को ये बोले कि इनका पूरा बेहतरीन तरीके से आप इलाज कराइए, उसका हर पेमेंट करने के लिए हम देने को तैयार हैं। इनको 1 रुपये की ना तो गोली का वजन डालिए, ना तो ऑपरेशन का वजन डालिए। 3 टाइम वो बिचारी को खाना पहुंचाने की एक जिम्मेदारी एक आदमी को लगाए हैं तमाम। अरे हमदर्दी, हमको हमदर्दी सिखाते हैं आप, हमारे लोगों के साथ हमदर्दी क्या करना। और ये लोगों को बार बार ये बोल रहे हैं कि आप कुकर दे के आस दे कर लोगों को बुलाए बोलकर, काहे तो हम अनाउंसमेंट करें। अरे हो साहब, आप जैसे घरे घर महीने भर में साड़ियाँ बांट रहे, हम BJP वाले अपने बर्थडे में सिद्धू पाटिल साहब साड़ियाँ बांटे, वो बांटना बांटना नहीं, हमारा बांटना बांटना है। और कुकर IAS नहीं है, तुम्हारे साड़े IAS थे, चेक कर लेते थे, हो सकता साड़ियाँ में क्या भी लगा के देते, आप दिए नहीं। और सोमोटो केस बराबर डालो, CM फैज भी साड़ियाँ बांटे डालो, सिद्धू पाटिल साड़ियाँ बेटे डालो, हम अगर करे हैं तो हम पर भी डालो, उसको क्या तीरमान लेना है, लेने दे लोग, हमारे को कुछ उससे क्यों डाले क्या करे, हमारा कोई भी एतराज़ नहीं है। और ये CM फैज साहब ये कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि वाटर सप्लाई के 105 प्लांट, एक ही मुद्दा अल्लाह जाने उनके दिमाग में कौन बिठाए, परवाने खैर पूछन दे, वो 105 प्लांट वाटर के जो प्लांट है TP में मीटिंग हॉल में पूरे PDOs को UO को बुलाकर MLA साहब ये एश्योरेंस दिए हैं कि आपको ये प्लांट बनाने के बाद पंचायत को हैंडओवर किए हैं, आप पंचायत वाले इसकी दुरुस्तगी कीजिए और इसको इमीडिएट चालू करो बोल के बोले हैं। अगर कुछ चालू हुए हैं, कुछ चालू होना है और चालू होना है तो और इन इंस्ट्रक्शंस देकर हम उसको बराबर चालू कराएंगे। और उन्होंने ये कह रहे हैं कि पानी की, अरे साहब उससे पूरा गाँव पानी पीता नहीं, विलेजेस के मुसाफिर, विलेजेस के ये हर घर में नल है, हर घर में बोरवेल है, हर घर में आपके विलेजेस में 8-10 बोरवेल हैं, उसके थ्रू आपको वाटर सप्लाई होता है, ये एक शुद्ध नीर गरीबों को पीने के लिए मिलना चाहिए बोल के ये प्लांट हम बनाए, हम बना के पंचायत वालों को इसको हैंडओवर करें। ये काम भी इंशाल्लाह वो PDO लोग अपने अपनी मर्जी से अपने उनके उनके जो हमारे MLA डायरेक्शन दिए हैं उसके हिसाब से ये भी प्लांट चालू होंगे। और एक बात, हुमनाबाद का फिल्टर नहीं हो रहा बोलकर उनका अलम कहाँ है, वो कहाँ है, आप देखे चुने फैज साहब, चलिए हमारे साथ गाड़ी में बैठकर क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, क्या काम चल रहा है, क्या काम हो रहा है। एक 2-3 दिन, 6-7 महीने पहले 1-2-3 दिन उसमें जो है ना गफलत से ये हुआ था पानी, उसको हम दुरुस्त करके बेहतरीन पानी अब हुमनाबाद और छुटगुप्पा, हलीखेड़ और 14 विलेजेस को हम पिला रहे हैं। उसमें 2 राने हैं और फिल्टर बेड का काम भी चल रहा है, उसका टेंडर भी हुआ है, फिल्टर बेड का काम भी चल रहा है, देखिए आप। और दूसरा ये कह रहे हैं आप कि जो है ना यहाँ पर दूसरे चीज़ें होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए और दूसरे चीज़ें होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। और एक बात कहे उन्होंने कि हमारे वीरभद्रेश्वर टेम्पल का यात्रिक निवास अब तक जो है ना चालू नहीं हुआ, वो चालू नहीं हुआ, हैंडओवर करे उस कमेटी, किसको हैंडओवर करना, हैंडओवर करके उसको टेंडर बुला के वो काम भी बहुत जल्द हमारे MLA डायरेक्शन दिए हैं, वो काम भी बहुत जल्द हो जाएगा। और जो ये 2-3 काम जो ये हैं वो जो आपको बार बार याद आ रहे हैं, घड़वाड़ी में यात्रिक निवास है, घड़वाड़ी में तालाब बना है, आपके घाट बोरल में हॉस्टल बना है, मोरारजी देसाई स्कूल बना है, हलीखेड़ में बना है, आपके हर जगह पर बने हैं, ये भी तो बोलो भाई साहब। खाली एक जो है ना 1,000 लीटर दूध में एक मैंगनीज डालकर ख़राब करना चाहे तो लोग हुमनाबाद के उल्लू ने हैं,
आप सिर्फ ये बात मैं तक बोलते हैं, मैं के बाद फिर आप दुबई में जाके बैठते हैं, रहने वाले नहीं आप, करने वाले। सर आप बोल रहे हैं कि एमएलए राजशेखर पाटिल साहब से भी हमारी फोन पे बात हो गई कि वो बोले कि मैं कुकर देने के वास्ते में कहीं पे भी नहीं बोला। हाँ, दिग्विजय न्यूज में भी बोले। तो फिर हवा में बातें ये हो रही है कि अगर कुकर नहीं दे तुम बोल के बोले थे तो वीडियो में जो दिखा। हाँ, तो आप घर को जाओ, मैं कुकर देके भेजता हूँ। गयाजुद्दीन साहब, हम अनाउंस करके लोगों को नहीं बुलाए, हम जो है ना कुछ हमारे लोगों को गिफ्ट देना, अभिषेक पाटिल का बर्थडे है बोलकर हम प्लान करें सो सही, उसमें जो है ना ये बाद में ये गड़बड़ की वजह से हम उसको हेल्ड अप करें, क्योंकि कुछ दिए 50-60 कुछ तो भी लोगों को पहुँचे, उसके बाद लोग अनकंट्रोल होने के बाद हम उसको रोक दिए। हम एक गिफ्ट की शक्ल में अभिषेक पाटिल का बर्थडे है बोलकर कुछ तो एक यादगार, एक महिला समावेश है बोल के कुछ यादगार करना बोल के करें, उसमें जो है ना हम बोल के नहीं करें, हम किसी को ये अनाउंस कर हमारे अनाउंसमेंट की गाड़ियाँ 4-4 गाड़ियाँ फिर कहीं भी हमारे अनाउंसमेंट की गाड़ी में ये अनाउंस नहीं हुआ कि हम कुकर दे रहे हैं, और हम हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को हम फ़ोन पर बोल के बुला के लाने के लगे, वो कहीं पर भी हम जो है ना कुकर का जिक्र नहीं करें। ये हम दिए 50-60 जो भी दिए हम दिए सो सही, उसमें दो राय नहीं, उसमें हम झूठ बोलने का नहीं है, मगर तुम भी साड़ियाँ दिए, हम भी हमारी पाप कुछ तो भी एक निशाने रहना बोल के ना। तो ये इसमें कुकर देना बोले तो क्या इलेक्शन डिक्लेयर हुए, क्या कोड ऑफ कंट्रैक्ट लागू है, हम अगर वोटर को लुभा रहे हैं ललचा रहे हैं तो कोड ऑफ कंट्रैक्ट में जाकर हम जो है ना उनके घरों में कुकर बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, आपके वजह से आप जैसा बांटे हम भी बांटे। कुकर कितने लेके आए? बोला ना मैं आपको 50-60 लेके हमारा जो प्लान था 1200 को ये करना बोल के था, वो लिमिट से ज़्यादा औरतें हो गए, उसमें जो है ना हम उसको हेल्ड अप कर दिए, हम उसको जो है ना फिर इंशाल्लाह कभी फिर देखेंगे बोल के उसको हेल्ड अप कर दिए, उसके बाद उसका जिक्र नहीं है। और जो है ना उन्होंने बार बार ये बोल रहे हैं कि मोहब्बत में नहीं कूलर की आस में है, झूठ है, सत्य से दूर है ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर आपके माध्यम से उनको ये बात समझाना चाहता हूँ कि झूठ बोलना छोड़ दें, झूठ ज़्यादा से ज़्यादा ना बोले, क्योंकि हर वक्त एक एक बात एक एक नई नई अफवाह उठाए, बाज लोग तो ये उठाए कि एक बच्चा मर गया, बाज ये उठाए कि एक औरत को हार्ट अटैक हो गया, बाज ये उठा रहे हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे क्या भाई, अगर बच्चा मरा तो हॉस्पिटल को ले जाएंगे, पोस्टमार्टम होगा, औरत मरी तो हॉस्पिटल को ले जाएंगे पोस्टमार्टम होगा, हम चुप, झूठ झूठ कितना झूठ। इनको बीजेपी को और दल को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा राजशेखर पाटिल की शोहरत, झूठ झूठ। अरे बाबा आपको जो है ना तुम कितना भी ललचाओ सच सच्चे होता है, एक मैं जो है ना आपको ये बोल रहा हूँ कि सच हमेशा सच होता है, हम हो या उन्हों हो या और कोई हो, चुप जो है ना कुछ तो एक बोल रहे, मेरे आँखों को वो नहीं हो रहा, मैं ये नहीं समझ रहा, मैं वो नहीं, 2 महीने में आपको क्या मालूम आपके घर के आस पास प्लाट कितने हैं गिन नहीं सकते तुम, तो हमनाबाद का डेवलपमेंट क्या बोलते पैसा, क्या मालूम आपको हमनाबाद के हालात क्या है, हमनाबाद क्या है, कोई तो भी एक आजू बाजू बैठे वाले क्या तो भी एक बोले वो वही सुनकर वो वैसा ले थे ये ऐसा करे थे, ये क्या कोई बात है सब, कुछ नहीं है, ये सबसे झूठ है। अब मेरे बाद हमारे रमेश डाकुड़िए और बाबू टाइगर भी आपसे कुछ बात करेंगे। मत को हम एक माइनॉरिटी का समावेश सुपर फंक्शन हॉल में बुला रहे हैं, आपके माध्यम से मेरी तमाम माइनॉरिटी भाइयों से अपील है कि उस दिन 6:30 बजे सुपर फंक्शन हॉल में सब लोग जमा होकर, हमारे कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से बुला रही है, और लोग उसमें कंफ्यूज करेंगे, वो जाकर वहाँ मीटिंग करे यहाँ मीटिंग करे, अरे तुम जैसा मीटिंग कर रहे घरों में हमको हक है, हम अपनी जगह मीटिंग कर रहे, हम एक समावेश बहुत बड़े तादाद में लोगों को जमा करने का हमारा लक्ष्य है इंशाल्लाह। उसमें हमारे राजशेखर पाटिल चीफ गेस्ट होंगे, चंद्रशेखर पाटिल, भीमराव पाटिल, अभिषेक पाटिल, वीरण्णा पाटिल हमारे, और मुखंड जो हमारे पार्टी के सभी लोगों को मधु करके हम उस दिन जो है ना एक समावेश 6:30 बजे से 10-10:30 बजे तक एक समावेश बुलाए हैं, उसमें हमारे प्रॉब्लम डिस्कस होंगे, हमारे नेता श्रीमान राजशेखर पाटिल को हमारे जो जो भी प्रॉब्लम है हम उनको सुनाएंगे, हमारे सरकार आने के बाद जो है ना एक बाय एक वो तमाम प्रॉब्लम को हमारे नेता श्रीमान राजशेखर पाटिल सॉल्व करेंगे। एक हम उस वक्त हमारी माइनॉरिटी की तरफ से एक मेमोरेंडम भी उनको दे रहे हैं तरफ से।